पानी में ये तीन चीज़ें मिला दीजिए और यकीन मानिए आपका पानी अमृत के समान हो जाएगा। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर को इससे अद्भुत लाभ मिलेंगे। कौन सी है ये तीन चीज़ें और कैसे इस्तेमाल करनी है और क्यों है इतनी बेनिफिशियल, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संदूस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताती हूँ कि इस पानी का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला, गर्मियों के मौसम में अक्सर क्या समस्या होती है कि शरीर में पित्त की समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में इस पानी का इस्तेमाल करने से आपके शरीर में पित्त बैलेंस रहेगा। दूसरा, कई बार ना शरीर में कफ बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द रहने लगता है या फिर हमें सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कतें होने लगती हैं, इन समस्याओं में भी ये आपको काफ़ी लाभ देगा। तीसरा, आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर बहुत लंबे समय से किडनी में जमा किसी भी तरह की गंदगी से परेशान है, लीवर में गंदगी है, आँतों में जमा गंदगी है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पेट में ब्लॉटिंग रहती है, खाना नहीं पचता है, इन सब समस्याओं में इस पानी से आपको लाभ मिलेगा। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ ये आपके जितनी भी ऑलरेडी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं उनको रिमूव करने में आपको ये पानी काफ़ी मदद करेगा। पर इसे बनाने का एक खास तरीका है और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है सबके पास अवेलेबल ना हो, तो उनके ऑप्शन के तौर पर मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है एक मिट्टी का घड़ा, एकदम कोरा लेना है। कोरे से मेरा मतलब जिसका पहले इस्तेमाल ना किया गया हो। तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा लेना है जिसमें लगभग 3 से 4 लीटर पानी आसानी से आ जाए। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार पानी से धुलकर साफ कर लीजिए और इसमें आपने ताज़ा पानी भरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ताज़े पानी से मेरा मतलब आरओ के पानी से नहीं है। इसमें आरओ के पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसमें नॉर्मल जो पानी ताज़ा आता है, समरसेबल का आता है या आपके यहाँ सप्लाई का आता है पीने वाला पानी, जो भी नॉर्मल पानी है वो आपने यूज़ करना है। फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल पानी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ताज़ा पानी कहीं से ले सकते हैं या सप्लाई नहीं आती, सिर्फ आरओ है, तो आप इस कंडीशन में आरओ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस मटके के अंदर पानी को डाल देना है। अब इसके अंदर आपने एक सोने का सिक्का डालना है। आप सब लोग ये कहेंगे कि हमारे पास सोने का सिक्का नहीं है, तो अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले उनके लिए जिनके शरीर में भी अक्सर खून की कमी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे हैं, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बार बार बीमार होती रहती है, उनके लिए सोने के सिक्के वाला पानी अद्भुत लाभ देता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो सोने का सिक्का आपका होगा उस पर किसी तरह का पॉलिश किया हुआ ना हो, नॉर्मल हो, इस तरीके से ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सोने का सिक्का नहीं है, जिनके पास भी नहीं है, वो इसकी जगह पर चांदी के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करने से शरीर को ठंडक मिलती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का है, आप वो डाल रहे हैं, तो साथ में ध्यान रखना है कि आपको चांदी का सिक्का भी डालना है, क्योंकि ये आपके बैलेंस को, बॉडी के अंदर बैलेंस करेगा सारी चीज़ों को। देखिए कई बार क्या होता है ना, शरीर में पित्त बढ़ जाने की वजह से हमें एसिडिटी और ब्लॉटिंग बहुत रहने लगती है, हमारे हारमोन्स जो है वो बहुत डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है चांदी वाला पानी पीते हैं तो ये शरीर को ठंडक, कामनेस प्रदान करता है, जिससे आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अगली चीज़ के बारे में, यानी कि पहले तो सोने का सिक्का है तो सोने का सिक्का, चांदी का है तो चांदी का, दोनों हैं तो आप दोनों डालेंगे, ठीक है, पॉलिश किए हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अगली चीज़ के बारे में, जो कि है रुद्राक्ष। ये आपको प्योर और अच्छी क्वालिटी का लेना है, जहाँ से भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष के पानी का सेवन करने से आपकी सारी जितनी भी कमजोरी है वो दूर होती है। जिन लोगों को भी अक्सर ये समस्या रहती है कि सुबह उठने के बाद चक्कर आते हैं या दिन भर चक्कर आते हैं, लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या लो रहता है या मेंटेन नहीं रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, या फिर बहुत लंबे समय से हम जो है नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, जोड़ों में दर्द है, तो इन सब के लिए रुद्राक्ष का पानी काफ़ी फ़ायदा देता है। तो इसमें अगली चीज़ आपने रुद्राक्ष डालनी है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ही फायदेमंद है, जो कि है तांबे का सिक्का। बहुत आसानी से सबको मिल जाएगा। अगर देखिए जो लोग भी ये सवाल करेंगे, हमारे पास चांदी का नहीं है, सोने का नहीं है, तो अब हम क्या करें, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप एक रुद्राक्ष और साथ में एक तांबे का सिक्का उसके अंदर डाल लीजिएगा। तो तांबे का सिक्का डालने से शरीर में शांति मिलती है, आपकी जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो उनको एकत्रित करने का काम करता है तांबा। ये आपके शरीर में आयरन
आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होने देता, हड्डियों को मजबूत करता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, रक्त विकार को दूर करता है, किडनी और लीवर को साफ करता है। अब इन सारी चीज़ों को आपने पानी के अंदर डाल करके पानी को किसी सूती कपड़े से ऊपर से बांध देना है, यानी कि उसके मुँह को घड़े के, और इसे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप इसमें से पानी को धीरे धीरे करके कंज्यूम करना शुरू करें। फैमिली के सभी मेम्बर्स को दे सकते हैं। ये पानी आपके शरीर के लिए अमृत के समान है। जो आप मार्केट में एल्कलाइन वाटर ढूंढते हैं ना, तरह तरह के महंगे महंगे पानी आजकल के मार्केटिंग का तरीका है, वो यही पानी है। इससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको कोई नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, एक एक करके बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं। आप कुछ समय के लिए 10 या 12 दिन के लिए चांदी का सिक्का डाल के रखिए, 10 12 दिन के लिए सोने का सिक्का डाल के रखिए अपने घड़े में, नॉर्मल घड़े में पानी में जिसमें आप रखते हैं। मैं आरओ और फ्रिज की बात नहीं कर रही हूँ। आरओ में पानी स्टोर करने का, इसमें डालने का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन घड़े में जो पानी आप स्टोर करते हैं उसमें या तो चांदी का सिक्का डाल के रखिए, या तांबे का डाल के रखिए, रुद्राक्ष डाल के रखिए, सोने का सिक्का डाल के रखिए। इस पानी को अगर डेली बेसिस पर भी आप कंज्यूम करते हैं तो शरीर को सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या है तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।